लातेहार जिला के सहायक पुलिसकर्मी जयराम कुमार विगत 20 दिनों से लापता हैं। जीवित एवं मृत की कोई भी खबर नहीं है, जिसमें विभिन्न तरह के सवाल हैं, लेकिन अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। इसी क्रम में परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जिस थाने में उनकी ड्यूटी थी, उस थाने में FIR लेने से भी थाना प्रभारी इनकार कर चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनकी इस अनहोनी में उनकी भी मिली भगत है। इसलिए जल्द से जल्द जयराम कुमार सहायक पुलिस को यथाशीघ्र बरामद किए जाने की मांग हो रही है, अन्यथा सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर मजबूर होंगे। जिस कंधे पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी एक पुलिसकर्मी की होती है, वही पुलिसकर्मी विगत 20 दिनों से अधिक से लापता है। जिंदा एवं मुर्दा का कोई खबर नहीं है। ऐसा सुनकर और सोचकर भी दिमाग विचलित हो जाती है, लेकिन यह सच्चाई है। झारखंड के लातेहार जिला में एक सहायक पुलिसकर्मी जो निरंतर अपनी सेवा दे रहा था, इस बीच 8 अप्रैल 2024 को घर से थाना ड्यूटी आने के क्रम में वो न जाने दुनिया के कौन से बिहड़ और मेरियाना की गर्त खाई में चला गया है, जो लातेहार जिला प्रशासन एवं संबंधित पुलिस अधिकारी अब तक उसका जीवित एवं मृत्यु का कोई खबर और खोज नहीं कर पाई है, जो काफ़ी चिंताजनक की बात है। क्योंकि एक तो उसका माताजी नहीं है, वह माँ का टूअर लड़का है, घर का इकलौता भरण पोषण का कार्य करता था, लेकिन इस अनहोनी की आशंका को देखते हुए एक बुजुर्ग पिता का रोते रोते अत्यंत ही बुरा हाल है, और वे भी इस विपदा से, इस अवसाद से संभवतः ज़्यादा दिन जीवित रहने की अनुमान नहीं है। ये तमाम बिंदुओं को केंद्र में रखकर बार बार जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, DSP हैं, SP साहब हैं, IG साहब हैं, DIG साहब हैं, DGP सर हैं, लेटर के माध्यम से और जनप्रतिनिधि के माध्यम से हर संभव आग्रह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी यह न्याय का समय है। एक पुलिसकर्मी और वर्दीधारी भी वर्दीधारी का सहयोग और न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं है। यह बहुत चिंताजनक बात है। इधर परिवार का रो रो का एकदम दयनीय स्थिति है, और प्रशासन केवल एक तरह से खाना पूर्ति, आश्वासन और ढकोसलाबाजी जैसा रास्ता अपना कर इस मुद्दा को दबाने का और भटकाने का, अटकाने का काम कर रही है। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम जीवित या मृत्यु उनका खबर दिया जाए, नहीं तो समाज का वर्दी पर से विश्वास उठ ही रहा है और बहुत उठ जाएगा, जो कि पुलिस और समाज के लिए अच्छा बात नहीं है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।